Hey you, welcome to my new video. Today we are talking about Bajaj Pulsar NS160 BS6 bike. और इस वीडियो में मैं आपको सफ़ायर ब्लू कलर्स दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी प्यारा और क्लासिक कलर्स लगता है देखने में, और साथ में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवरअप करने वाला हूँ, जैसे कि प्राइस के रहने वाले, फीचर स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाला है। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अपने भाई की चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी तस्वीर में नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। गाइस कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताना आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, पहले से बेहतर लग रही है, बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि ये वीडियो अपने DSLR M50 से आ रही है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप वीडियो की क्वालिटी कैसी हो चुकी है। गई जैसे कि आपको पता है, आपको भाई सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है, प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ जो चीज़ हम बजट में फिट होती है, हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। सो चलिए इस प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो इस ट्विन डिस्क BS6 एक्शन प्राइस दिया जाता है 1,10,086 रुपी, आईटी अमाउंट 8,806 रुपी, और साथ में इंश्योरेंस अमाउंट 8,889 रुपीज दिया गया है। ये जब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस क्या दिया जाता है, सो इस ऑन रोड प्राइस दिया गया है 1,27,781 रुपी। ये सब बात करते हैं फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबसे बात करेंगे इंजन ट्रांसमिशन के बारे में। इंजन टाइप 4 स्ट्रोक SOSC 4 वाल्व ऑयल कूल ट्विन स्पार्क BS6 GTSI FI इंजन दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट 160.3 cc का इंजन दिया जाता है। मैक्सिमम 17.2 PS एंड 9000 RPM, और साथ में मैक्सिमम टॉर्क दिया जाता है 14.6 एंड 7250 RPM, और नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1 दिया जाता है। कूलिंग सिस्टम इसमें ऑयल कूल दिया जाता है। गाइस जब बात करते हैं बल्ब परसेंट के बारे में, सो ये बल्ब परसेंट इसके 4 दिए गए। ड्राइव टाइप इसमें चैन ड्राइव दी जाती है। गाइस जब बात करते हैं स्टार्टिंग के बारे में कि गाइस ये बाइक स्टार्ट कैसे होती है, सो इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों की फैसिलिटी दी जाती है। फ्यूल सप्लाई FI में दी जाती है, जिसे हम लोग फ्यूल इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्लच वेट मल्टीप्लेट के अंदर, ट्रांसमिशन मैनुअल में। गाइस जब बात करते हैं गियरबॉक्स के बारे में, सो ये गियरबॉक्स 5 स्पीड में दिया जाता है, इनकी 5 गियर्स वाली बाइक होने वाली है। गाइस जब बात करते हैं एमिशन टाइप के बारे में, एमिशन टाइप क्या रहने वाला है, सो गाइस जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ BS6 बाइक होने वाली है, सो गाइस एमिशन टाइप को BS6 में दिया जाएगा। गाइस जब बात करते हैं फीचर सेफ्टी के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे ABS के बारे में। ABS सिंगल चैनल में दिया जाएगा, स्पीडोमीटर डिजिटल, टैकोमीटर एनालॉग, ऑडोमीटर डिजिटल, ट्रिप मीटर डिजिटल, फ्यूल गेज डिजिटल, और साथ में कंसोल मीटर एनालॉग एंड डिजिटल में दिया जाएगा। पास स्विच दिया जाएगा, क्लॉक की फैसिलिटीज दी जाएगी, स्टेप अप सीट दी जाएगी जिसे हम लोग स्पीड सीट भी बोलते हैं, पैसेंजर फुटेज दिया जाएगा, और साथ में इंजन किल स्विच भी दिया जाएगा। ये सब बात करते हैं चेसिस सस्पेंशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे चेसिस के बारे में। चेसिस प्री मीटर फ्रेम के अंदर दी जाएगी, बॉडी टाइप स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है। कई सब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, कई फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रैक्शन बुश के अंदर, और साथ में रेयर सस्पेंशन दिया जाएगा, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक अब्जॉर्वर विथ कनिस्टर के अंदर। बॉडी ग्राफिक्स काफ़ी कमाल की दी गई है, सो गाइस आप कमेंट्स में जरूर बताना आपको बॉडी ग्राफिक कैसी लगी। गई जब बात करते हैं डायमेंशन कैपेसिटी के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ 2017 mm विथ 803.5 mm, और साथ में हाइट दी जाती है 1060 mm। गई जब बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, सो इस फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर्स की दी जाती है, यानी कि 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm, वाइल वेस 1372 mm। गई जब बात करते हैं कर्व वेट के बारे में, बाइक वेट क्या रहने वाला है, सो इस कर्व वेट रहने वाला 151 kg का, यानी टोटल बाइक वेट 151 kg का होने वाला है। गई जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइट्स के बारे में। हेडलाइट हेलोजन, टेल लाइट्स LED, टर्न सिग्नल हम बल्ब में दिया जाएगा, साथ में LED टेल लाइट्स दी जाएगी। बैटरी टाइप DC MF में दी जाएगी, बैटरी कैपेसिटी 12 वोल्ट दी जाएगी, और लो फ्यूल इंडिकेटर दिया जाएगा, साथ में प्लेट लैंप्स भी दिया जाएगा। गाइस बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में, जो कि हमारे लिए बेहद जानना जरूरी होता है कि भाई हम बाइक खरीदे तो टायर्स और ब्रेक्स कैसे आने वाले हैं। सो गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे टायर साइज के बारे में। फ्रंट टायर 90x90x17, और साथ में रेयर टायर दिया जाता है 120x80x17 का। गाइस टायर टाइप इसमें काफी बढ़िया दिए गए हैं, टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस में दिए गए हैं। ये सब बात करते हैं वाइल साइज के बारे में। फ्रंट वाइल 431.8 mm, साथ में रेयर वाइल भी सेमी साइज का दिया जाएगा 431.8 mm। वाइल टाइप अलॉय में दिए जाएंगे। गाइस अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में, सो इस दोनों ब्रेक डिस्क में दिए जाएंगे, फ्रंट ब्रेक डिस्क में दिया जाएगा, साथ में रेयर ब्रेक भी डिस्क में दिया जाएगा। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 260 mm, और साथ में रेयर ब्रेक डायमीटर 230 mm का दिया जाएगा, और साथ में रेडियल टायर भी दिए जाएंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने भाई की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपका भाई का जब मोटिवेशन मिलता है, और अपने भाई की चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।